हेलो गाइज, आज हम लोग वीवो के अपकमिंग वीवो V27 प्रो स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं। एंड बेसिकली वीवो V27 प्रो स्मार्टफोन चाइना वाले S16 प्रो का ही इंडिया में रीब्रांड वर्जन होने वाला है। और अगर आप वीवो के अपकमिंग वीवो V27 प्रो स्मार्टफोन का इंडिया में वेट कर रहे हो तो इस वीडियो में आपको स्मार्टफोन की इंडियन मार्केट में लॉन्चिंग, प्राइस सब कुछ बताने वाला हूं। बट तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए डेली ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस पाते रहने के लिए। सबसे पहले दोस्तों स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वीवो V27 प्रो स्मार्टफोन 6.78 इंचेस का काफी बड़ा फुल एचडी प्लस E5 कर्व्ड ओलेड पैनल कैरी करने वाला है। और यहां पर आपको HDR 10 प्लस सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। 10 बिट डिस्प्ले होने वाली है तो डिस्प्ले की क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच रहेगी। और स्मार्टफोन में फ्रेंड्स 120 हर्ट्ज की हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा। 1300 निट्स की मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस होने वाली है तो आउटडोर विजिबिलिटी स्मार्टफोन की आपको काफी इंप्रेसिव देखने को मिल जाएगी। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहां पर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा गाइस परफॉर्मेंस भी आपको वीवो V27 प्रो स्मार्टफोन में काफी इंप्रेसिव देखने को मिल जाएगी। बिकॉज वीवो V27 प्रो स्मार्टफोन मीडियाटेक के लेटेस्ट डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर पर आने वाला है जो कि 4nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको बैटरी एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल मिलेगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स परफॉर्मेंस की भी बात करें तो ये वाला चिपसेट 8,80,000 के अराउंड बेंचमार्क स्कोर करता है। सो इससे आप स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस का भी आइडिया लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर LPDDR5 रैम UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट भी रहेगा। और स्मार्टफोन का टॉप वेरियंट मेरे अकॉर्डिंग 12GB 256GB होने वाला है। बाकी वीवो V27 प्रो स्मार्टफोन विद बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आएगा जहाँ पर आपको फ्रंट टच OS 13 का सपोर्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। नाउ गाइस स्मार्टफोन के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कैमरास की बात करें तो वीवो V27 प्रो स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का होने वाला है। और यहां पर आपको सेंसर सोनी का फ्लैगशिप IMX766V मिलेगा जो कि IMX766 का ये अपग्रेडेड वर्जन है। और यहां पर OIS का सपोर्ट भी दिया जाएगा। बाकी सेकंड स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया जाएगा जिसका ज्यादा यूज होता नहीं है। बाकी स्मार्टफोन में 2 मेगापिक्सल का एक यूजलेस सेंसर भी रहने वाला है। और यहां पर फ्रेंड्स आपको 4K पर आई थिंक मैक्स 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। और फ्रंट की बात करें तो यहां पर आपको 50 मेगापिक्सल का एक सेंटर पंचोल सेल्फी कैमरा दिया जाएगा जो कि सैमसंग का GN1 सेंसर होने वाला है। लास्ट में गाइस स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो ये वाला पार्ट भी स्मार्टफोन का डिसेंट साइड रहता है बिकॉज स्मार्टफोन में 4600mAh की एक डिसेंट बैटरी दी गई है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बैटरी बैकअप आई थिंक बढ़िया देखने को मिल सकता है बिकॉज स्मार्टफोन में 4nm का प्रोसेसर है तो बैटरी एफिशिएंसी आई थिंक आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगी। लेकिन चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स 66W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन वीवो V27 प्रो स्मार्टफोन में आने वाले हैं। और चाइना में इसकी प्राइस 3299 yuan मिलती है जो कि इंडिया के अंदर हमें ऑलमोस्ट 40,000 rupees देखने को मिलते हैं। इंडियन मार्केट में प्राइस की बात करें तो वीवो V27 प्रो स्मार्टफोन आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस के साथ इंडिया में देखने को मिल जाएगा। फाइनल दोस्तों लॉन्चिंग की बात करें तो वीवो V27 सीरीज के स्मार्टफोन इंडिया में मिड फेब या फिर एंड ऑफ फेब्रुअरी तक लॉन्च होने वाले हैं एंड इट्स 100% कंफर्म। सो अगर आप वीवो V27 प्रो स्मार्टफोन का इंडिया में वेट कर रहे हो तो अभी आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डेली ऐसे ही टेक रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।